आपके लिए भागवत महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम गंतव्य जो हमारी मंजिल है वहां जाने वाली किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं, परंतु हमें ये पता नहीं होता कि कौन से स्टेशन पे उतरना है, कौन सी वर्थ पे बैठना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जहां पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंच पाते हैं, अभी तो बीच में ही हमको उतरना पड़ जाता है। वैसे ही अधिकांश लोग सनातनियों में, बहुत लोग ऐसे हैं जो शिष्य बने हैं, दीक्षा जिन्होंने ली है, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें ऐसा जिससे वो मंजिल भी मिल जाए, जिस मंजिल के लिए हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए जो मनुष्य जीवन मिला है। एक बात समझ लीजिए, अगर ये जीवन बेकार हो गया तो कई कल्पों तक ये संभव है कि हमें मनुष्य योनि ही ना मिले। एक दो जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, कई कल्पों तक ये संभव है कि हमें मनुष्य योनि ही ना मिले, क्योंकि सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम ये मनुष्य योनि है। जिस मनुष्य योनि को प्राप्त करके हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बुरे लोगों का संग कर करके, बुराइयों को जीवन में उतार उतार कर, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, यथार्थ में वो श्रेष्ठ स्वार्थ भी नहीं, ऐसी भावनाओं में हम लोग बह जाते हैं जहां से हमारा ये जीवन मिल तो गया लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हुआ। हम इस जीवन को धीरे धीरे यूं ही बर्बाद कर रहे हैं।